हाँ भैया, शादी के बाकी खर्चों के लिए तैयार कर दी है? हाँ बिल्कुल कर दी। या और संजय और अजय, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम दोनों मौज मस्ती में मगन मत रहना, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। बनती है कि नहीं बनती? वो तो चाचू दोनों जिम्मेदारी, हमने कब मना किया भाई? आप जो भी जिम्मेदारी दोगे ना, हम अच्छे से निभा लेंगे। जो भी संजू। हाँ चाचू, आप बस हुक्म करो, मैं यूं सारे काम कर दूंगा। अरे 100% तो समोसा खाओ। नहीं मैं खाओ ना थोड़ा सा। अरे चाचू, अरे आपकी परेशानी क्या है? क्या और अभी ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे आप डेकोरेशन बार बार चेंज करने के लिए क्यों बोल रहे हो? आप हमको हमारे तरीके से काम करने दो ना। लेकिन हमने तो किसी को नहीं कहा कि डेकोरेशन चेंज करने के लिए। अजय, मैंने तेरी ड्यूटी लगाई थी ना इस काम के लिए, ये डेकोरेशन वाले काम के लिए, तो फिर रवि का कह रहा है? हाँ चाचू, पर मैं थोड़ा दूसरे काम में फंस गया था, उस काम के लिए मैंने संजू को बोल दिया था। संजू क्या कह रहे भैया? वो बोलना, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास है संजय, है कि नहीं? यहाँ हम लोग सब काम करके परेशान है और तू है कि बनते बनाए काम को बिगाड़ने में लगा हुआ है। क्यों? और खाने पीने के अलावा और कुछ सोचता है तुझे? चाचू मुझे सही नहीं लग रहा था इसलिए मैंने बदलने। नहीं नहीं, क्या सही नहीं लग रहा था तुझे? नहीं, तू डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अरे तू उठाकर डेकोरेशन का इधर से उधर कर देगा, सब मान लेंगे तेरी बात। नहीं तू दूल्हा है क्या? तेरी शादी है क्या? रवि बेटा, संजय की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। वो क्या है ना कि मैं दूसरे कामों में ज्यादा बिजी था तो ध्यान नहीं रख पाया इस बात का। अरे आपकी माफी मांग रहे हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। सो आई एम सॉरी। तेरा जहाँ दिल करता है वहाँ लगा ले। वैसे डेकोरेशन का सामान किस तरह पड़ा हुआ है? वो रवि, वो सारा सामान देविका के कमरे में, मैं ले आता हूँ। और नहीं नहीं भाई, तू कुछ भी मत कर, कुछ मत कर तू। कोई बात नहीं, बस मेरे हाथ खराब है, वो मैं धो के आती हूँ, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा रूड हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। अभी देर से जाऊंगी तो दादी और डांट लगाएंगी, साक्षी भी पता नहीं कहाँ चली गई है। तुम? I'm sorry. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Actually कुछ सामान पड़ा हुआ तुम्हारे कमरे में, बस वही लेने आया था मैं यहाँ पर। एक सेकंड, इधर क्यों आ रहे हो? अरे बोला ना सामान लेने आया हूँ। सामान? ओ, मैं दे देती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सामान बाद में ले जाना, बाहर देखो कितना सारा काम है, पहले वो जाके कर जाओ। अरे देवी का छोटा सा बॉक्स है, 2 सेकंड में ले लूंगा, और वैसे ही मुझे बहुत सारा काम है। नहीं। बात है, क्या हो गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरा यहाँ पे मौजूद रहना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत को रोमांटिक फोन कॉल आने वाला होगा, साकेत जी ने कहा होगा कि उनको अकेले में बात करनी है, कोई बात सुनाना तुम्हारी। हाँ मुझे कोई फोन कॉल आने वाला है, कुछ यही सुनना था ना। अरे यार तुम बहुत कंफ्यूज करती हो मुझे। अभी कल तो तुमने कहा कि तुम्हारे दिल में साकेत जी के लिए कुछ भी नहीं है, और आज तुम फोन कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। देखो रवि, देख के तो रहा हूँ, तुम आजकल बहुत अलग सा बिहेव कर रही हो। अरे पहली बार तुम्हारे कमरे में आया जो तुम मुझे बाहर निकाल रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लेकिन मुझे आज कुछ खुला खुला सा लग रहा है। खुला खुला? क्या मतलब है तुम्हारा? यही, तुम्हारा कमरा इतना खुला खुला सा दिख रहा है, क्या हुआ? सब सामान कहाँ गया? ओ कमरा, हाँ वो चाचा ने थोड़ा सा सामान बाहर शिफ्ट किया है ना, इसीलिए। और तुम्हारे चेहरे का रहा, उसे भी कहीं शिफ्ट किया गया? यार तुम भी ना बहुत परेशान होती हो यार। हाँ मैं ठीक हूँ। रवि ये तुम क्या कर रहे हो? एक सेकंड दीदी का। Thank you.
चलता हूँ, बहुत सा काम बाकी है। ओ बड़ा टाइम हो गया। तनु, देविका तैयार हो गई कि नहीं? हाँ दादी, हो गई। अच्छा चलो ठीक है। रेखा आप ही तैयार हो गई ना? हेल्दी विजय, सारी तैयारियां हो गई, आप फिक्र मत करो। अच्छा सुषमा, तुम दोनों एक काम करो, चुटके रेडी हुई है कि नहीं जाके देख लो। बाकी सारी तैयारियां मैंने कर ली है, जाओ 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 जल्दी जाओ। हाँ माँ, एक सेकंड ले। वो रहने जीते रहो, आप यहाँ बस। आ जाओ आ जाओ। ये खड़ोस यहाँ क्या कर रहा है आज सुबह सुबह? पता नहीं किसकी शक्ल देख रही। साक्षी तू चल अंदर, मैंने दादी इनकी खातिरदारी में लगा देंगी। हाय। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे? सीक्रेट है। क्या? बाद में बताऊंगा। पक्का? पक्का। वैसे तो जी बड़े जी सद के आप आयो तन पाग हमारे, पर हल्दी वाले दिन आप यहाँ पे? माता जी आज हमारी हल्दी है। क्या मुझे यहाँ आने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है जी, बिल्कुल हक है। भला आपको हक नहीं होगा तो क्या किसी ऐरे गहरे नथु खैरे को होगा? हैं जी, आज आपका दिन है जी, आपके जी में जो आए करो। माता जी मैं देविका को अपने हाथों से हल्दी लगाना चाहता हूँ ताकि जिंदगी भर वो मेरे प्यार में रंगी रहे। कोई कितनी भी बुरी नजर डालने की कोशिश करे फिर भी हमारे प्यार का रंग कभी फीका ना पड़े। वाह जी वाह, ये हुई ना नई उम्र की नई सोच जो बहुत ही बड़ी है। जरूर जी जरूर, आपके हाथ से हल्दी लगेगी ना तो हमारी देविका का रंग और भी निखर जाना है, आप देखना। अच्छा मैं अभी आया। हाँ जी हाँ। तो आई गई, तुमने इतने प्यार से बुलाया तो आना ही पड़ा। क्या कर रहे तू? सबूत ढूंढ रहा हूँ। वो क्या है ना, किसी ने किसी के विश्वास का नजायज फायदा उठाकर उसकी जिंदगी में रंग भरने की बजाय कीचड़ उछाल दिया। वही पता कर रहा हूँ कि वो बदनसीब कहाँ पर है। बढ़िया है, लगे रहो और बेस्ट ऑफ लक। ये लोग हैं कौन और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और मेरे देखते ही मुंह क्यों पलट दिया? कहीं कहीं ये लोग मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? ये लोग रुक क्यों गए? अब तो पक्का यकीन हो गया ये लोग मेरा पीछा करे, लेकिन लेकिन ये लोग हैं कौन? अरे कहां चली गई ये लड़की? अगर लड़की नहीं मिली ना तो बॉस हम सबको जान से मार डालेंगे। एक काम करो, तुम लोग उधर देखो, मैं इधर देखता हूं। ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? कोशिश कर लो, मुझसे मेरी खुशी नहीं छीन सकते तुम।